हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो 94 जहाँ शिक्षक बहाली को लेकर के है और इसमें बात करेंगे कि ओपन कैंप काउंसलिंग जो होता है इसमें कौन अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और कौन से अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे हम आपको पहले बता देते हैं कि ओपन कैंप काउंसलिंग क्या होती है। इसके बारे में हम अपने जो है वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपने देखा होगा कि सिंगल डे काउंसलिंग, मल्टीपल डे काउंसलिंग और इसके साथ ही मैंने एक नया जो है लेटेस्ट मॉडल जो है बताया था बिहार शिक्षा विभाग को कि एक ऐसा काउंसलिंग का जो है सिस्टम बनाया जा सकता है, मॉडल बनाया जा सकता है जिसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की जो है नौकरी पक्की की जा सके और हाई मेरिट और लो मेरिट वाले अभ्यर्थियों को इसमें सिलेक्शन हो सके, जिसको मैंने नाम दिया था कि विषयवार जो है सेंट्रलाइज मल्टीपल डे काउंसलिंग। ठीक है, ये उसका जो है नाम दिया था मैंने। अगर वो सारे वीडियो आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें जाके सारे काउंसलिंग की जो डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम बताने वाले थे कि जो ओपन कैंप काउंसलिंग होती है तो ओपन कैंप काउंसलिंग में कौन कौन अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कमेंट सेक्शन में बहुत सारा ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा था और बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि ये बताइए कि मैं ओपन कैंप में कहाँ कहाँ भाग ले सकता हूँ और कहाँ भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसी के बारे में पूरा वीडियो है। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो है करना होगा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक, बेल आइकन पे प्रेस और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि ओपन कैंप काउंसलिंग जो होती है वो पूरी तरीके से ओपन होती है, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी इस काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले सकता है जिन्होंने आवेदन किया है। अब बात ये आती है कि आपको जो है किस नियोजन इकाई में ओपन कैंप काउंसलिंग में आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये होता है। यानी कि ओपन कैंप में आने को तो सारे अभ्यर्थी आ सकते हैं, तो यहाँ ओपन कैंप का मतलब ये होता है कि हाई मेरिट से लेकर के लोएस्ट से लोएस्ट मेरिट तक के अभ्यर्थी सभी लोग कैंप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, इसलिए इसको ओपन कैंप काउंसलिंग जो है कहा जाता है। और यहाँ पे मेरिट की कोई बाउंडेशन नहीं होती है, चाहे उसका मेरिट 100 से शुरू होता हो चाहे उसका मेरिट 45 हो, सारे के सारे कैंडिडेट जाकर के जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ये तो एक बात हो गई कि ओपन कैंप काउंसलिंग किसे कहते हैं। अब हम बात कर देते हैं कि ओपन कैंप में आप कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो बिल्कुल जो है नॉर्मल सी बात है कि आपने जिस नियोजन इकाई में फॉर्म डाला है वहीं पर आप जाकर के ओपन कैंप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, बाकी कहीं आप नहीं बैठ सकते। क्योंकि कमेंट सेक्शन में ये पूछा गया था कि सर मैंने जैसे जिस नियोजन इकाई में फॉर्म नहीं डाला है तो क्या मैं ओपन कैंप काउंसलिंग में वहां भी जाकर के बैठ सकता हूँ, काउंसलिंग करा सकता हूँ, ये जो है कमेंट सेक्शन में आ रहा था। तो ये नए अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा है जो नए हैं अभी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ओपन कैंप काउंसलिंग मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी जाके काउंसलिंग करा लीजिए, ये नहीं होता है। ओपन कैंप काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि हाई से हाई मेरिट लो से लो मेरिट सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं भी जाकर के काउंसलिंग करा लीजिए, आप काउंसलिंग वहीं कराएंगे जहां पर आपने आवेदन दिया है, जिस नियोजन इकाई में, चाहे पंचायत हो चाहे ब्लॉक हो चाहे जिला स्तर पे हो, जहां पर आपने आवेदन किया है उसी नियोजन इकाई में आप ओपन कैंप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और इसको जो है ओपन कैंप काउंसलिंग इसलिए नहीं कहा जाता है कि आपने अगर जहां आवेदन नहीं किया वहां भाग ले लें, इसको ओपन कैंप काउंसलिंग मेरिट अंकों का जो है यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए इसको ओपन कैंप काउंसलिंग कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ओपन कैंप काउंसलिंग क्या होता है और ओपन कैंप काउंसलिंग में आप कहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेट वहीं होगा जहां आपने आवेदन किया होगा, ठीक है, मेरिट चाहे आपकी जितनी भी हो। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको जो है पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।